बच्चों, आज हम प्लांट पैथोलॉजी में आपके लिए नया एक टॉपिक लेके आए हैं, नया डिजीज लेके आए हैं। और आशा करता हूँ कि इससे पहले जो भी हम इम्पोर्टेंट डिजीज आप लोगों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सारे डिजीज आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि मैं बड़ा ही कोशिश ये करता हूँ कि आपको सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों को रोग के बारे में बताएँ कि वह रोग किस प्रकार का है और उसके रोग के पहचानने के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, किसके कारण वह रोग फैलता है और उस रोग की रोकथाम हम कैसे करेंगे, कैसे उसका कंट्रोल करेंगे, क्या कंट्रोल करने का तरीका है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आपको पिछले वीडियो में बताते रहते हैं। और आज भी हम जो नया डिजीज लेके आए हैं उसको भी हम बताएंगे कि इसके क्या लक्षण हैं और क्या इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है और कैसे इसकी हम रोकथाम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा रोग है कबार्डिस्मट ऑफ वार्ले। वार्ले तो सब लोग जानते होंगे, जौ, जिसको हिंदी में जौ बोलते हैं। जौ को, जौ का हमारे दैनिक जीवन में भी बड़ा उपयोग है, आप लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे कि जो हमारी बियर होती है वो जौ से ही बनाई जाती है। अधिकतर मोस्टली हमारे बियर का जो निर्माण है वो कैसे होता है, जौ से होता है। ठीक है, तो हमारा कबार्डिस्मट ऑफ वार्ले जौ का अभ्रंत कंड, जौ का अभ्रंत कंड या कंडुआ रोग इसको बोलते हैं जौ का, तो ये रोग हमारे जौ की फसल में लग जाता है और धीरे धीरे ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट और अन्य प्लांटों को इन्फेक्टेड कर देता है। इन्फेक्टेड करते करते पूरे हमारे जौ की क्रॉप को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये डिजीज हमारे फील्ड में हो गया, हमारे खेत में हो गया, तो हम इस रोग की रोकथाम, वो सॉरी इस रोग को कैसे पहचानेंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, तो हम सिम्टम्स बताएंगे जो मोस्ट हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो आसानी से आप लोग समझ सकें वह सिम्टम्स हम बता रहे हैं। तो कुछ सिम्टम्स जो मैंने दिए हैं, नीचे बताए हैं, वो भी बता रहा हूँ। पहला इसका जो सिम्टम्स है वो क्या है, रोगी वाली काली एवं जली हुई दिखती है। जो पौधा रोगग्रस्त होता है स्मट से, उसकी बाली जो है वो कैसी हो जाती है, काले कलर की हो जाती है, भूरे भूरे और काले कलर की हो जाती है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें किसी ने आग लगा दी हो, जली हुई हो। हम अपने गेहूं या जौ की जो बाल होती है, स्वस्थ स्वच्छ बाल को देखेंगे और जो हमारे स्मट से इन्फेक्टेड होगी उस बाल को मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो जौ की बाल है वो कैसी हुई है, जली हुई है। ठीक है, ये इसका पहला सिम्टम्स है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, दूसरे सिम्टम्स की। तो दूसरा सिम्टम्स है हमारा ये धूसर रंग की मजबूत झिल्ली। किस कलर की, धूसर कलर की मजबूत झिल्ली, झिल्ली नुमा एवं तुसों से ढके रहते हैं। झिल्ली नुमा तुसों से ये ढके रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे सिम्टम्स की। इसका तीसरा सिम्टम्स क्या है, वो है बीजों के अंदर काला चूर्ण भरा रहता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि आप रोगग्रस्त पौधे की बाली को तोड़ें और उसके दाने को निकालें, उस दाने को आप ऐसे करके हाथ से मसलेंगे, ऐसा करेंगे तो वो काला काला पाउडर सा निकलता है, सीड नहीं निकलता है, सीड का आकार बना हुआ होता है लेकिन वह सीड काला चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा सिम्टम्स है। अब जो हमारा चौथा सिम्टम्स है वो क्या है, कंडयुक्त बालियां स्वस्थ बालियों के साथ निकलती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। क्या है, जो स्मट से इन्फेक्टेड बालियां होगी वह किन बालियों के साथ निकलती हैं, जो हमारी स्वस्थ बालियां निकलती हैं प्लांट में, तो ये भी एक लक्षण है। हम स्वस्थ बालियों के साथ इस प्रकार की बालियां जैसे ही हमको दिखें, जली हुई काले रंग की, तो आप तुरंत समझ जाएं कि हमारे जौ के खेत में क्या लग गया है, अभ्रंत कंड
प्रवेश कर गया है और हमें इसको तुरंत कंट्रोल करना है। तो ये हो गया इसका चौथा सिम्टम। अब बात करते हैं पांचवें सिम्टम्स की। पांचवा सिम्टम्स है, यह एक बाह्य बीजोड़ रोग है। ये कैसा है? बाह्य बीजोड़ रोग है। ये बच्चों रोग अधिकतर आप देखना ये बीज के द्वारा ही क्रॉप में फैलता है, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो सीड के साथ छुप जाता है और सीड के साथ ही उसका उगना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे सीड बड़ा होता है, सीड से भाई अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, उसके साथ पौधे का निर्माण होता है, उसी प्रकार इसका भी निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये प्लांट के साथ ग्रोथ कर जाता है और हमारे प्लांट को इन्फेक्टेड कर देता है। तो ये बच्चों पांच सिम्टम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यही सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि हमारे जौ की फसल में कवर्ड स्मट लगा है या नहीं लगा है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों अगले पॉइंट के लिए। हमारा अगला पॉइंट क्या होता है? कैजुअल ऑर्गेनिज्म। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जीनस और स्पीसीज दोनों को मिलाकर क्या बनता है उनका जूलॉजिकल नेम, या किसी प्लांट का बना रहे हैं तो बोटेनिकल नेम हो जाता है उसको बोलते हैं। ऐसे ही कैजुअल ऑर्गेनिज्म इसके जीनस और स्पीसीज से मिलकर बनाया गया है। तो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है बच्चों एस्टिलागो हॉर्डाई। एस्टिलागो हॉर्डाई, ये रोग एस्टिलागो हॉर्डाई नामक जीनस को सॉरी ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये फैलता है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों ये रोग हमारे क्रॉप में लग गया, और जब लग गया तो हम अब इस रोग की पहचान भी हमने कर ली, तो अब इस रोग को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे रोकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंट्रोल, भाई कैसे इसकी रोकथाम की जाए। तो रोकथाम में हमारा पहला पॉइंट है ऐसे खेत का चयन किया जाए जिसमें रोग कभी न हुआ। हम जौ का बीज उस फील्ड में ले जाएं, उस फील्ड में सोइंग करें उसकी, कि जिस फील्ड में कभी भी स्मट नाम का डिजीज, जो बाले स्मट है सॉरी बाले कवर्ड स्मट नाम का डिजीज कभी भी उस खेत में ना हुआ हो। क्यों ना हुआ हो? क्योंकि उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म उस खेत में ना पाया गया हो। भाई कभी अगर फसल हो गई तो हो सकता है उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म मिट्टी में कहीं छुप गया, दब गया, और आपने फिर बुआई कर दी तो हो सकता है सीड के साथ ग्रोथ कर जाए। तो पहला कंट्रोल ये हुआ कि हमें अपने फील्ड का चुनाव कैसा करना चाहिए उसमें ये रोग कभी ना हुआ हो। दूसरा हमारा पॉइंट है रोग मुक्त एवं प्रमाणित बीजों का ही हमें चयन करना है और उनकी सोइंग करना है, उनकी बुआई करना है। हमको बीज किस प्रकार बोना चाहिए बच्चों? रोग मुक्त एवं प्रमाणित सर्टिफाइड सीड ही हमें लगाना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है अवशेषों को उखाड़कर और उनको क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए। जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं वो हमारे अगर क्रॉप में लगे हुए हैं तो उन प्लांटों को हम क्या करेंगे? उखाड़ देंगे। उखाड़ के कोशिश ये करिएगा बच्चों, यही होना चाहिए कि उन प्लांटों को उखाड़कर किसी अपने फील्ड से दूर एक पिट में, एक गड्ढे में ले जाकर उनको डालकर और उनको जला देना चाहिए, जिससे उनके कैजुअल ऑर्गेनिज्म प्लांट के साथ ही नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक, ये बच्चों हो गया हमारा तीसरा कंट्रोल। अब बात करते हैं अपने चौथे कंट्रोल का। चौथे कंट्रोल में हम करते हैं एप्रोसान जीएन या एप्रोसान जीएन या सेरेसान की 2.5 ग्राम एप्रोसान जीएन या सेरेसान की 2.5 ग्राम मात्रा द्वारा 1 kg सीड को हम ट्रीटेड करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। सीड ट्रीटमेंट किसके द्वारा करेंगे हम? 1 kg सीड ट्रीट करने के लिए हमको एप्रोसान जीएन या सेरेसान की 2.5 ग्राम मात्रा लेना है और हमें अपने सीड को ट्रीटमेंट करने के बाद जब सोइंग करें। ठीक, तो ये हमारा हो गया है चौथा कंट्रोल। अब हमारा आता है नेक्स्ट अगला पांचवा कंट्रोल। पांचवा कंट्रोल क्या है मैं बता रहा हूँ। इसमें 0.25% की दर से प्लांट बैग्स या बीटा बैग्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो
प्लांट वैक्स या गीटा वैक्स का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा छठवां एवं लास्ट कंट्रोल क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही कंट्रोल है कि हमको हमेशा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज बोना। अब हमको कौन कौन से स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज बोना है वो हम आपको वैरायटियां बता रहे हैं। कौन कौन सी वैरायटियां लगाना है? बीजे 13, बीजे 14, बीजे 24, बीजे 26, बीजे 28 और बीजे 29। ये हमको वैरायटियां लगाना है ताकि हम इस रोग से अपनी फसल को बचा सकें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का ये डिजीज हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा और इस रोग को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और फिर आएंगे नेक्स्ट नया वीडियो लेके। तब तक के लिए।